तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो पीएनबी का एटीएम कार्ड होता है उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे पीएनबी वन एप्लीकेशन से ऑनलाइन ही अपना एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे आज जो एटीएम कार्ड यहां पे मिल चुका है दोस्तों, आप देखते हैं मेरे हाथ में भी एटीएम कार्ड है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। कौन से टाइप का एटीएम कार्ड मुझे यहां पे मिला है, रुपए का मिला है, वीजा, मास्टर कार्ड, ए टू जेड फुल जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और दोस्तों उससे पहले आप मेरी वो नेक्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ही यहाँ पे बुक कर सकते हैं अपना एटीएम कार्ड, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देखते हैं फ्रंट साइड से जो एटीएम कार्ड है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है। और दोस्तों ये मुझे यहाँ पे लगभग 20 से 25 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे मिला है। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको जल्दी मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे विलेज में रहता हूँ तो इसलिए मुझे 20-25 दिन का यहाँ पे टाइम लग चुका है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में मेरे पहले ही आ चुका था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ से लेकर आया हूँ, तो उस पर भी आपका डिपेंड हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 20 दिन या फिर 25 दिन ही लग सकते हैं आपके। और बैक साइड से आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं बैक साइड से कुछ इस तरह का आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे होता है। पीएनबी वन एप्लीकेशन यहाँ पे नाम भी लिखा रहा है और यहाँ पे क्यूआर कोड है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्कैन करोगे तो इस तरह का एटीएम कार्ड आपका होता है। और आप देखते हैं बिल्कुल सील, यहाँ पे पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। अब आपको मैं सिंपल सा इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों लिफाफे से मैंने एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लिया और कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है। सबसे पहले ये आपको कागज है, एप्लीकेशन है आपका, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे बुक यहाँ पे मिलती है, मैनुअल मिलता है। आप देख सकते हैं पीएनबी वन एप्लीकेशन का है, कैसे आपको इसको यूज करना है। जिस तरह मोबाइल में आपको मैनुअल मिलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक बुक सी यहाँ पे होती है, 3-4 पेज की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मिलती है आपको। उसके बाद में आपको एक अलर्ट वाला एक यहाँ पे चेतावनी वाला मिलता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इंग्लिश के अंदर भी आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा। और उसके बाद में आपको जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसका आपको कवर यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये रहा। तो मुझे यहाँ पे रुपए का यहाँ पे डेबिट कार्ड यहाँ पे मिल चुका है, एटीएम कार्ड जिसे आप बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम उसी तरह का मेरा एटीएम कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और ये आपको एक कवर मिल जाता है सेफ्टी के लिए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको और कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे पीएनबी वन का एक पेज है जहाँ पे प्रमोशन चल रहा है इनका, आप देख सकते हैं क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिलती है, तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वो यहाँ पे इसके बैक साइड में यहाँ पे होता है। तो दोस्तों अभी आप देखते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी आ रही है, अगर आप कोई फ्रॉड करते तो आपको जुर्माना यहाँ पे लग सकता है कुछ इस तरह का। और जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसको ब्लर यहाँ पे करके रखा, जो कि यहाँ पे जो ग्लू गन होती है उससे यहाँ पे चिपकाया हुआ होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो एटीएम कार्ड है वो यहाँ पे होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू गन से यहाँ पे चिपकाया हुआ होता है, मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया, आप देख सकते हैं। तो आप बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं, और कुछ इस तरह के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं। अब मैं आपको एटीएम कार्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फ्रंट साइड से आपका एटीएम कार्ड कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा आता है, और यहाँ पे दो बसेस की फोटो है, और यहाँ पे एक बारकोड चिप यहाँ पे ऊपर लगी हुई है, बस इतना ही होता है फ्रंट साइड से। दोस्तों बैक साइड से कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है, आपकी जो एटीएम कार्ड नंबर है वो यहाँ पे होता है, और एक्सपायरी डेट यहाँ पे होती है, वैलिड फॉर्म यहाँ पे होती है कब आपने अप्लाई किया था, और यहाँ पे आपके सीवी कोड होते हैं 3 डिजिट के, और यहाँ पे एक बारकोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह का यह फ्रंट बैक साइड से आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।